प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉर्वे के दक्षिणपंथी नेता क्रिश्चियन टाइब्रिंग येद्दे ने नॉमिनेट किया है। क्रिश्चियन टाइब्रिंग ने तर्क दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता कराने में अहम योगदान दिया है, इसीलिए वो नोबेल शांति पुरस्कार पाने के हकदार हैं। दरअसल इसराइल ने केवल 3 अरब देशों के साथ राजनयिक और कूटनयिक समझौता स्थापित किया है। साल 1979 में मिस्र के साथ, 1994 में जॉर्डन के साथ और 2020 में यूएई के साथ। इसराइल और यूएई के बीच निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ान, सुरक्षा और दूर संचार के मसले पर द्विपक्षीय समझौता हुआ है। इसराइल ने यह भी वादा किया है कि वो वेस्ट बैंक में अपने कब्जे वाली जमीन पर तमाम विवादित योजनाओं को बंद कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों विपरीत ध्रुव वाले देशों के बीच समझौता कराने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी समाचार एजेंसी फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में क्रिश्चियन टाइब्रिंग ने इसी समझौते को आधार बताया है। ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। साल 2018 में भी नॉर्वे के ही दक्षिणपंथी नेता ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। उस समय नॉमिनेशन का आधार उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच समझौते को बताया गया था। हालांकि ट्रंप जीते नहीं थे। अब सवाल ये है कि वे कौन लोग हैं जो किसी का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। चलिए इसका भी जवाब देते हैं। किसी भी राज्य अथवा देश का प्रमुख, राष्ट्रीय स्तर का राजनेता, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, विदेश नीति संस्थानों के निदेशक, नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके लोग और नॉर्वे में मौजूद नोबेल समिति के मेंबर इस पुरस्कार के लिए किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉर्वे नोबेल समिति अंतिम रूप से विजेता का चुनाव करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अभी तक 318 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। विजेता का ऐलान साल 2021 तक होने की संभावना है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।